सज्जनों को, आप लोगों ने, आप लोग सारे यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जैसा कि रश्मि और मित्तू ने बताया, मैं भी समाज कल्याण में रहती हूँ। यहाँ पे हमारे दो गेट्स हैं, एक इस साइड पे है और एक उधर है छोटा गेट। आप किसी भी गेट से बाहर निकलना हम लोगों के लिए इतना मुश्किल है, अगर कभी ज़रूरी भी निकलना पड़े तो हम लोग 10 बार सोचते हैं कि हम बाहर जाएं कि नहीं जाएं। कई बार यहाँ गाड़ी से भी आप बाहर निकलो तो यहाँ पे सारे लड़के, जब कोई भी किसी भी उम्र के लोग यहाँ पे शराब पी रहे होते हैं, बोतलें खाली करेंगे और यहाँ पे जाते हुए हमारे गेट पे फेंकते हुए जाएंगे। आप चाहे गाड़ी में हो वो गाड़ी के ऊपर फेंक देंगे, पैदल चले हुए हो ऊपर फेंक देंगे। आप देख सकते हो हमारी बाहर रेलिंग के साथ कितनी बोतलें टूटी हुई मिलेंगी आपको। और बाकी इसी के कारण चेन स्नेचिंग हो रही है। हमारे अभी पीछे मिसेज अग्रवाल आंटी जी, उनको यहाँ पे हमारे गेट से निकलते हुए उन्होंने धक्का दिया एक मोटरसाइकिल वालों ने, और वो 3-4 महीने बेड पे रही है, ये सिर्फ इसी शराब के ठेके का कारण। हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारी ये सुनवाई आगे तक पहुंचाओ और ये ठेकों को बंद करवाइए प्लीज, ताकि हमारे बच्चे, उन पे जो बुरा असर पड़ रहा है वो सारा बंद हो, और बच्चों का भविष्य जो है वो भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, चाहे वो लड़के हैं लड़कियाँ हैं किसी भी उम्र के हैं, कि सबके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ये सुनवाई आगे तक लेके जाएं और इन ठेकों को प्लीज बंद करवाइएगा। और इसी के साथ धन्यवाद। और मैं इसी बारे में बोलूंगी, एक वर्कशॉप के बारे में। एक दिन मुझे बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी और मैंने कहा गाड़ी हटा लो, छोटे गेट से मैं अंदर जा रही थी, लेकिन उसने मुझे बहुत बदतमीजी से बोला और कहा जल्दी है तो क्या है, 5 मिनट का सबर करो। मैंने कहा मैं सबर नहीं कर सकती, कुछ भी हो आप गाड़ी हटाइए। और मैंने अपनी मैनेजमेंट में भी कहा कि इसका कोई उपाय ढूंढा जाए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वहाँ जो लोग आते हैं उनसे भी कहा जाए कि भाई ठीक से, बड़े से लोगों से ठीक से बोला जाए। शाम को इधर गाड़ी मोड़नी मुश्किल हो जाती है, सारे ट्रक खड़े होते हैं और आदमी गंदे से गंदे खड़े होते हैं, बोलो तो कहते हैं बुड्ढे चुप हो जा। तो ये कोई इंसानियत यहाँ रहने लायक जगह है? बिल्कुल नहीं है रहने लायक जगह। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सब लोग हमारी बात सुने और इसको हटवाया जाए। धन्यवाद। आप देखेंगे जैसा कि हमें बताया। नमस्कार, 6 साल हो गए मेरे को रोहतक छोड़कर दिल्ली आए हुए। काम के सिलसिले में अप डाउन करते करते जब थक गए थे तो सोचा यहीं आके बसेरा बसा लिया जाए। बहुत ही अच्छी सी सोसाइटी देखकर एक अच्छा सा घर, एक अच्छा सा आशियाना सिलेक्ट किया और बस यहीं के होके रह गए। यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना कोऑपरेशन दिया कि शायद मैं कभी छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। इन जैसे लोग मिले, इनके साथ निर्भया कांड के लिए कैंडल मार्च करी, जगह जगह लोगों को इकट्ठा किया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही तजुर्बेकार एक्सपीरियंस रहा। बच्चे जैसे अब यहीं के होके रह गए, रोहतक या हरियाणा वापस जाना चाहते नहीं, और मैं भी यहीं की होके रह गई। लेकिन बहुत ही दुख के साथ यह एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना पड़ रहा है। दैट्स इट्स ओनली ड्यू टू दिस शॉप, द टैक्सी स्टैंड एंड एवरीथिंग विच इज़ रॉन्ग ओवर हेयर, आई प्लान टू शिफ्ट इट फ्रॉम हेयर। और मैंने एक और आशियाना अपने लिए सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये पलायन ही समझ लीजिए एक तरह से। उस टाइम समझ में नहीं आई ये बात कि किसी भी चीज़ को छोड़ के जाना या पलायन करना अपने आप में समस्या का समाधान नहीं होता है। उसके लिए उस बुराई को ख़त्म कर देते, कुछ और सोचते, कुछ यही मीटिंग्स, यही सब कुछ पहले हो जाता तो शायद आज मैंने अपना घर बदल ना लिया होता, मैं यहीं की रह के हो जाती। बट बहुत ही दुख के साथ जो एक्सपीरियंस मैंने भुगते यहाँ पे पिछले 5 सालों में, सेम प्रॉब्लम्स अपने जवान बेटे के साथ बीच में से आना जाना बहुत ही दुश्वार हो गया था। ट्यूशन छोड़ना, ट्यूशन से लेकर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और टैक्सी स्टैंड वाले, पान वाले, रिक्शे वाले आपको इस तरह से देखेंगे जैसे जिंदगी में कभी औरत ना देखी हो। इतनी बुरी एक्सपीरियंस और इतने कड़वे अनुभव के बाद बजाय मैं ये कदम पहले उठाती, लोगों को पहले इकट्ठा करती, अपनी सहेली का साथ पहले देती, यही चीज़ें पहले हो जाती तो आज मुझे यहाँ से जाना ना पड़ता। बट अब कुछ नहीं हो सकता और आई हैव टू मूव फ्रॉम हेयर। घर लिया जा चुका है, बदला जा चुका है,
और बस चंद महीने में रहूं और यहीं पर। बहुत ही बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। एक्चुअली ये हर घर की कहानी है, हर कोई यहाँ से जाना चाहता है, कोई यहाँ नहीं आना चाहता, सिर्फ इन ठेकों की वजह से। यहाँ सिर्फ ठेके की नहीं, यहाँ पे लोग आके पीते हैं, यहाँ पे टॉयलेट करते हैं लोग, यहाँ पे गंदी गंदी बातें बोली जाती है, कोई लड़की यहाँ से निकल नहीं सकती, यहाँ पे कोई स्कूटर पे भी जाए तो लोग इकट्ठे होकर स्कूटर में निकलने लग जाते हैं उनके पीछे कि इसको छेड़ ले हम। उनको होता है ये लड़की ने कोई सामान है, जाए और आए और हम इनको छेड़ते जाए बस। यहाँ पे यही होता है, कोई नहीं, यहाँ कोई रहना नहीं चाहता, बस यही है। हम यहाँ से सारे बेच के जाए घर, और ये लोग हर जगह हर कोने में बस ठेके की दुकान शुरू कर दे। प्लीज हम लोग कह रहे हैं सारे साथ आए, सारे निकले और इस ठेके को हम बंद करा सके। सबका साथ होगा तभी ठेका बंद होगा। सिर्फ अकेले हम लोग ठेका बंद नहीं करा सकते। हम कितने दुकान, हम कितने घर जा जाके डोर एक एक घर में जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आइए बाहर निकलिए बाहर निकलिए बाहर निकलिए, लेकिन कितने चंद लोग निकल के आ रहे हैं। आज हमें यहाँ पे दिखाना था कि कितने लोग निकल के आएंगे, कि ये लोग हमारे लिए आए हैं, हम ये अपने घर में बैठ के ये भी कुछ कर सकते थे, ये हम लोगों के लिए आए हैं यहाँ पे हम लोगों का साथ देने। तो आज है कि आप लोग भी हमारा साथ दें और आके निकले। सिर्फ आज हमने ये खत्म नहीं करना, हमें आगे इस मुद्दे को और बढ़ाना है कि किसी तरह ये हम बंद करा सके। सिर्फ आज हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ बातें करके सुन के ना जाए, हमें आगे साथ दो हमारा कि हम लोग ये बंद करा सके।